वी हैव स्टार्टेड ऑफ विथ वॉट वी कॉल एज वॉट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट देन द थ्री क्रूशियल डिशीशंस दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फिनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज इन्वेस्टमेंट डिशीशन कैपिटल बजटिंग एज वेल एज डिविडेंट दे हम लोगों ने किया था फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी

and then we have two concepts left that is factors that are affecting the long-term as well the working capital. This is the question. Uh, this is the same question has come in the boards in two different names. Malab, ek bar vivo, ek bar kuch aur karke. दिस इज द क्वेश्चन कीज अवो लिमिटेड कैपिटल हमें जब आपको ऐसा कैलकुलेशन करना होता है तो आपको क्या क्या देखना है नाउ द कंपनी दिस इयर हैजेक लोन ऑफ फोर्टी लैक्स एडिशनल दे हैव ऑलरेडी टेकन

Uh, again and again, again and again, i'm telling all the students one thing that whenever the words calculation comes, trading on equity word comes, when it comes, show your calculation. calculation i do not know how you are working with your uh, other subjects like eco or uh, accounts, but here you have to show

रीजन इज कभी कभी ये क्वेश्चन दोनों ही मतलब और जो है दोनों ही यही क्वेश्चन हो सकता है द ओनली डिफरेंस दिचुएशन तो ये आपको इस चैप्टर से करना ही है नाउ लेट इटार्ट विद इट इफ यू वॉन्ट यू कैन कॉपी डाउट इन द वेरी फर्स्ट मतलब जो पहला हमारा पिछले साल गया है देर वॉज नो लोन बट इस साल हमारा जो है वी हैव टेकन दट कि हमारा जो लोन होगा वो हमने फोर्टी लाख रुपीज का लोन लिया है मतलब इस क्वेश्चन के लिए नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ईबीआईटी से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कि जब हमने इंटरेस्ट और टैक्स दोनों नहीं पे किया है तब हमारा अर्निंग क्या था हमें इसी का देखना है दैट इज एट लैक्स थे इस साल हम पिछले साल का नहीं देख रहे हैं हम इस साल का देख रहे हैं हमारे पास पिछले साल का एक ही रिकॉर्ड है और वो है ईपीएस पी एस दैट इज फिफ्टी पैसा ऑलवेज वी पे द लाइबिलिटी इन दस्ट तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर है टेन परसेंट यानी कि हमने लिया है लोन चालीस लाख चालीस लाख का टेन परसेंट इज लाख रूपीज हमने आठ लाख में से फोर लाख रुपीज जो है लोन का इंटरेस्ट दे दिया यानी कि अब हमारे पास बच गया है ई बी टी इी टी मतलब अर्निंग

ए टी ई एटी का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस राइट नाउ हमारा ईपीएस हमने निकालना है एंड ईपीएस का फॉर्मूला क्या है आपका ई ए टी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ़ शेयर्स और हमारा पिछले साल का था जीरो पॉइंट फिफ्टी पैसा जो हमारे पास गिवन है इट इज गिवन और इस साल का हमारा निकालेंगे हम टू लाख फोर्टी थाउजेंड अपॉन सिक्स लाख हमारा इक्विटी कैपिटल हमारा इक्विटी कैपिटल सिक्स लाख ही है हमने जो लोन लिया है वो है हमारा फोर्टी लैख्स ,00 हमने जो लोन लिया है वो हमारा जो है वो है फोर्टी लाख तो हमने जो है लाख हमारा इक्विटी कैपिटल था उसको हमने टेन रुपीज से डिवाइड किया है वी हैव डिवाइडेड इट बाय टेन बिकॉज नॉर्मली वी इफ इट इज नॉट गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर इफ नॉट गिवन देन

Every company has to plan very well before they go further. मतलब अपनी कंपनी में कितना डेप्थ होना चाहिए कितना उनका जो है इक्विटी कैपिटल होना चाहिए दिस ऑल डिपेंड्स ऑन मेजर फैक्टर्स और सबसे पहला हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए लेते हैं वो होता है वेदर वी शुड ट्रेड ऑन इक्विटी

तो जहां आपको पीरियड ऑफ प्रोड्यूसिंग जहां आपका स्टॉक इन्वेंट्री आपका ज्यादा वहां आपका फिक्स वर्किंग कैपिटल हमेशा ज्यादा रहता है सेम इंस्ट्रक्शन

I require that you are giving it in the same format as I am giving you the instructions. There would be no separate instructions given to anyone. There would be no special answers. Ki ma'am, isko kaise karna hai? Kya karna hai. You have to understand it right now. Okay, I have to do it in this manner. Right, ma'am has told us I have to do it in this manner. Ma'am told me this thing. We have to do it in this manner that should be the criteria i'll not be giving you 100 times essay essay every time i cannot give you the instructions on your paper that this has to be written in this manner and one more thing presentation your spellings are also essential in business studies both are very essential ये ऐसा नहीं है कि गर्ल्स तो कर लेती हैं आई नो गर्ल्स डू इट बट वेन इट कम्स टू बॉयज सम कटिंग करते हैं कुछ इतना कीड़ा मारते हैं कि समझ नहीं आता प्लीज डू नॉट डू दो थिंग्स यू हैव टू बी यू आर नॉट अ डॉक्टर यू आर इन यू आर इन द कॉमर्स फील्ड सो कॉमर्स के बच्चों का जो है ना हमेशा कैलकुलेशन साफ सुथरा होना चाहिए सो मेक इट श्योर

जेनरल है कि अगर आपने एक मोबाइल खरीदा है ठीक है आई एम टॉकिंग अबाउट विच वी आर यूजिंग इन डे टू डे आपने उस मोबाइल को खरीदने के बाद इफ यून सेल इट आउट ऑफ टेन डेज उस मोबाइल का डेप्रिसिएशन हो जाता है यू कैनोट सेल इट ऑन द सेम प्राइस यू हैव वॉट इट मान लो आपने दस हजार का खरीदा है तो डेफिनेटली इट वुड बी गोइंग फॉर नाइन थाउजेंड और नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नी लैंड एनी एसेट एनी फर्नीचर एनी फिक्सचर दैट इज इवर्कबल एंड यू हैव टू इफ यू वॉन्ट टू बाई इट अगेन इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दैट अगेन यू नीड टू गो फॉर लॉस एंड दैट इज हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीशंस यह हम पहले पढ़ चुके हैं अब हम इसका सिर्फ ये पढ़ेंगे कि वॉट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्टेड करंट एसेट्स आर दो एसेट्स ये पेपर में आया हुआ है कई बार which इन द नॉर्मल रूटीन ऑफ द बिजनेस गेट्स converted into cash कैश और कैश that दैट इज हमारे inventories जो बिक जाएंगे debtors जो हमें पैसा देंगे बिल रिसीवेबल्स जो हमें थोड़े टाइम के बाद पैसा आना है यानी कि जहां पैसा आपका ब्लॉक है उसको हम करंट एसेट्स में लेकर आते हैं बट दैट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड यू आर डूइंग इट ऑन अ लॉन्गर पीरियड देन इट बिकम्स अ कैपिटल बजटिंग क्योंकि आपका पैसा लॉन्गर टाइम के लिए ब्लॉक है वेर इज जो आपके शॉर्ट टाइम के लिए ब्लॉक है इन्वेंट्रीज विल बी सोल्ड मे बी इट इज सोल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ वन मंथ सिक्स मंथ्स तो फिक्स कैपिटल यानी कि लॉन्ग टर्म इट मींस द फर्म हैज एलोकेट द कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट्स और इनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हमने तीन डिसीजन सबसे पहले पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीशन आपका यहां पर आता है और ये इन्वेस्टमेंट क्यों अगर आपने वाइसली इन्वेस्ट किया है तो दैट वुड इफेक्ट द ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्गर रन तो आपको इनमें बहुत ज्यादा ध्यान से करना पड़ेगा और इसी को हम फाइनेंस करते हैं यूजिंग इक्विटी प्रिफरेंशियस डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म प्लान लोन्स या रिटेन अर्निंग्स इनको हम शॉर्ट टर्म में कभी नहीं करते क्योंकि इनसे जो हमें पैसा वापस आएगा

these decisions include purchase of land, building plant machinery, launching a pro product, a paper mein, this comes as a case study. a company is launching a new product line and they require a good amount of money for advertisement campaign and research and development program. identify the decision taken by the company. तो यहाँ आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म या कैपिटल बजटिंग। तो नाउ एज आई सेड इट इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म इट रिक्वायर्स लार्जर अमाउंट इट हैज नंबर ऑफ रिस्क एंड दिस इज अ दिस इज एन इवरसेबल डिसीजन। पेपर में ये जो फोर पॉइंट्स हैं ये नहीं आएंगे दैट इज वाई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट मीन्स इसका अवसर जो है वो लॉन्ग टर्म पर है ज्यादा पैसा अमाउंट आपका पैसा लगेगा और आप इसको वापस नहीं कर सकते तो वॉट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है फिक्स्ड और वर्किंग में पहले तीन जो है दे आर कॉमन एंड यू कैन राइट इट इन रैंडमली क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है एनी थ्री फैक्टर्स एनी फाइव फैक्टर्स आता सो इट इज नॉट इन वॉट यू कॉल एस आपको फ्लो में नहीं लिखना फास्ट नेचर ऑफ बिजनेस अगेन इस वाले में आपके पेपर में दिस कैन कम एज अ केस स्टडी एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नेचर ऑफ बिजनेस आपका बिजनेस कैसा है भाई अगर आपका बिजनेस जो है ट्रेडिंग है एडवर्टीजमेंट है वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन विच हेज कम इन देपर इफ यू लुक इन टू द लास्ट पास यू कैन सी द सेम क्वेश्चन विद डिट ने मतलब ए जो है उसके उसका जो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था दूसरे क्वेश्चन में था ए जो है ही इज ऑन टू द एडवर्टीजमेंट बिजनेस तो जहां आपका आपको इन्वेंट्री नहीं लगनी है जहां आपका स्टॉक नहीं रहेगा आपको प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जो है यू यू आर नॉट सपोज टू प्रोड्यूस समथिंग यू आर ओनली ट्रेडिंग आपने लेकर आपने बेचना है योर रिक्वायरमेंट फॉर फिक्स कैपिटल वुड बी लेस वेर इज इफ योर कंपनी इज हैविंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप चीजें मैन्युफैक्चर करते हो प्रोड्यूस करते हो तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब आप कितने लेवल पर आपकी कितना प्रोडक्ट आप करने वाले हो आल्सो अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एट अ हायर स्केल रिक्वायर्स बिगर प्लांट मोर स्पेस मतलब अगर आपका पर यूनिट अगर आपने प्रोड्यूस करना इफ इट इज ऑन अ आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम बोलते हैं व्हाट डू वी कॉल एज एमएसएमई व्हाट डू वी कॉल एज बिग कंपनीज तो एम आपके जो है मीडियम या स्मॉल या माइक्रो तो उनका जो आप उनकी जो प्लांट रिक्वायरमेंट है वो कम होगा बट इफ इट इफ इट गोज टू अ अगर बिगर कंपनी जिनका मैनुफेक्चरिंग यूनिट काफी बड़ा है जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट या फिर द क्वांटिटी आपका ज्यादा है क्वांटिटी आपका ज्यादा है वहां आपका फिक्सड एसिड ज्यादा होता है हमेशा याद रखना जब हम लेबर ओरिएंटेड रहते हैं ना तो उसमें हमारा पैसा कम लगता है क्योंकि आपको मशीनें नहीं खरीदनी है हमारे जो पड़ोसी थे द नेबर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने घर में ही रखते थे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ थ्रेड्स धागा था हम उनको धागे वाला ही बुलाते हैं। तो, Amito, and, uh, तो उनका क्या था दो चीजें थी पहला ये था दे वर उनके जितने काम होते थे दे वुड भी जो उसकी पैकिंग होती थी वो सब कुछ वो लेबर से ही करवाते थे तो उनका इन्वेस्टमेंट कम था बट इफ यू लुक इन टू प्रोपर फैक्ट्री जहां एवरीथिंग इज ऑटोमाइज मतलब जहां आपका धागा बन के आता है वहां से लेकर द पैकिंग देन उसके ऊपर जो आपका प्लास्टिक चढ़ता है एवरी थिंग इज ऑटोमाइज वहां पर दे रिक्वायर मोर कैपिटल सो सम आर टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव वाइल अदर्स आर लेबर इंटेंसिव तो जहां आपका मैनुअल लेबर कम है वहां आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए Whereas the requirement of fixed capital would be why labor-intensive, on the other hand, require less investment in fixed assets. Technology upgradation. most of the uh, machines over a period they need to be upgraded. Especially when you have computers. Computers become obsolete faster and are replaced by नी अदर फर्नीचर आपका ऐसा नहीं है फर्नीचर आपके ऑप्सलेट नहीं होते वो खराब हो जाते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को हमें अपग्रेड करते रहना पड़ता है so, जरूरत पड़ती है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इफ अंपनी वॉन्ट्स टू ग्रो हायर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट क्योंकि आप हायर ज्यादा मतलब आप बड़े एसेट्स को लोगे ज्यादा पैसा करोगे और ग्रो करने की कोशिश करोगे अ कंपनी में चूज टू क्रिएट हायर कैपेसिटी इन ऑर्डर टू मीट द एंटिस हायर डिमांड क्विकअ जिसको कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना ठीक in है मार्केट बहुत अच्छा है मार्केट इज साउंड लेटस टेक टेक दिस अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्वांटिटी करते हैं जिससे कि हम मार्केट का शेयर रखें तो जब वो ग्रो करना चाहते हैं दे रिक्वायर मोर डायवर्सिफिकेशन मींस कंपनी में चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन एग्जाम्पल टेक्सटाइल कंपनी इज मतलब हमने उसमें पढ़ा था इन ऑर्गेनाइजिंग हमने पढ़ा था टू काइंड ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल तो अगर कंपनी डिविजनल में जाना चाहती है यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहती है सीमेंट भी लाना चाहती है इलेक्ट्रॉनिक्स भी लाना चाहती है भी लाना चाहती है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा हो जाएगा अगर कंपनी एक ही प्रोडक्ट लाइन में चल रही है तो उसका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा मतलब ओवर द पीरियड इट वुड ओनली इंक्रीज मार्जिनली समटाइम्स द कंपनी मे गो फॉर जैसे हमें जमीन खरीदनी है जमीन मुझे रेंट पर लेना है जैसे आपका एनवीएम एनवीएम में

फाइनेंशियल मार्केट में प्रोवाइड लीसिंग फैसिलिटीज फेसिलिटीज एज एन ऑल्टरनेटिव टू आउटराइट परचेज इसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ माई दे मतलब उनकी जो कंपनी है दे दूध है। वो लोग करते हैं उनकी कंपनी में वॉट इज यू गो एंड बाय फोटोस्टेट मशीन मीन्स द फोटोस्टेट मशीन कंसिस्ट ऑफ द प्रिंटिंग फोटोस्टेट

पर एक पेज का उनको देना पड़ता अराउंड थर्टी पैसे सो so, ओवरऑल उन्होंने साल भर का लगाया तो उन्होंने देखा कि इट इज चीपर देन बाइंग अ मशीन मशीन खरीदते तो वो पांच छह लाख का लगता लेकिन अगर वो लोग पाइप मतलब कि ओवर द पीरियड वो दो साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इफ यू हैव सर्टेन लीजिंग फैसिलिटीज अब तो देन आप अपना कैपिटल उस में नहीं लगाओ बट इट इज नॉट एवरीवेयर एंड इट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू एवरी थिंग क्योंकि लीसिंग में यह भी प्रॉब्लम होती है कि मशीन खराब होगी तो वो ठाके लेकर चले जाते हैं तो आपका काम भी बंद हो जाता है तो यू हैव टू सी दैट वॉट काइंड ऑफ लीसिंग यू आर टेकिंग नॉट एवरी प्रोडक्ट नॉट एवरी एसेट कैन बी टेकन ऑन लीज आप मक वो ले सकते हो जमीन ले सकते हो खरीदोगे टेन करोर आप मंथली इफ यू आर गिविंग द रेंट ऑन लीज एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपका जो पैसा वो जो आपका रेंट है वो पर ईयर इंक्रीज नहीं होता लीज में आपका पर ईयर इंक्रीज नहीं होता तो दिस इज हाउ अ कंपनी में गो बट इट हैज टू अंडरस्टैंड कौन सा उनके लिए विच इज रिस्की विच इज मतलब कि समटाइम्स अगर हमारे पास लीज़ है लेकिन रिस्की है तो वी मे गो फॉर आउटराइट परचेज लेवल ऑफ कोलाबोरेशन जो भी मैंने आपको बताया एनवीएम का अ कंपनीज़ में बी जॉइंटली एस्टैब्लिशिंग तो उसे क्या होता है कि दे मे गेट अगर कंपनी ने खरीदा भी है और वो किसी को रेंट पर दे रहा है तो एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत रेंट मिल रहा है या फिर दो लोग दो, दो जने मिलकर जैसे हमारे रिया दीदी के स्कूल में भी था रिच्चा के स्कूल में भी था दे हैड अ बैंक तो कोलैबोरेट कर लिया तो फिक्स्ड एसेट्स का जो पार्टिसिपेशन था वो ज्यादा हो गया इवन दो द स्कूल वॉज पेइंग द एंटायर रेंट बट दे ऑल्सो गॉट इट फ्रॉम द ए टी एम एटीएम जो वहां लगा हुआ था या बैंक लगा हुआ था तो उनके लिए थोड़ा कम होता है बट दैट इज दैट कैन नॉट बी देयर फॉर एवरी परपज सो दिस इज हाउ द फैक्टर्स आर इफेक्टेड वेन यू आर डिजाइडिंग कि हमें किस एसेट पर कितना पैसा लगाना है तो ये आपके वो फैक्टर्स हैं। द नेक्स्ट इज वर्किंग एज आट वर्किंग के फर्स्ट जो दो हैं वो सेम है वर्किंग कैपिटल हमें कितनी जरूरत होगी यानी कि रॉ मटेरियल्स आपका हो गया देखिए दिस इज दीज आर द वन कैश इन हैंड मार्केटेबल सिक्योरिटी बिल्स रिसीव डेटर्स फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटीरियल्स प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपेंसिस दीज

इनसफिशियंट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स में मेक मोर डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लीगेशन हाउ एवर दीज और लो रिटर्न और इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितना रखना है करंट लायबिलिटीज़ आर दो पेमेंट ऑब्लीगेशन वन ईयर यानी कि जो हमें देना है जो हमें देना है दैट कम्स अंडर करंट लियाबिलिटीज दिस कम्स इन द पेपर ये वाला जो पेपर ये वाला दिस वन सम पार्ट ऑफ करंट एसेट्स यूजुअली फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म द रेस्ट इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लैबिलिटी दैट डिफाइंस एज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लेबिलिटी नाउ हमारा वर्किंग कैपिटल क्या है सेम अगर इफ़ यू आर हैविंग अ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर तो आपको रॉ मटेरियल्स भी देने पड़ेंगे आपके पास जो है वर्कर्स भी होंगे आपके पास स्टाफ भी होगा आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी भी देना पड़ेगा दैट मीन्स यू आर मतलब कि जो आपका नेट एक्सपेंसिस है वो ज्यादा हो जाएंगे वेर इज इफ यू आर हैविंग अ एन एडवर्टीजमेंट और या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो वहाँ पर आपका ये सामान जो है वो कम हो जाएगा सो नेचर ऑफ बिजनेस the basic nature of business influences the amount of working capital. a trading organization usually requires a small amount of working as compared to manufacturing. why? because there is no distinction between raw materials sales can be effected immediately upon the receipt of material, sometimes even before that. whereas in a manufacturing, raw materials by padega, देन यू हैव टू कन्वर्ट इड इंटू फिनिश गुड्स एंड देन द सेल्स इज पॉसिबल सो दैट इज वाई ट्रेडिंग रिक्वायर्स लेस वर्किंग सिमिलरली सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे आपका ट्रांसपोर्ट एडवर्टीजमेंट वगैरह है उनमें भी आपका जो है दे डोंट रिक्वायर टू इन्वेंट्री की तो जरूरत नहीं है स्टॉक की तो जरूरत ही नहीं हमें स्केल ऑफ ऑपरेशन दीज आर दू विच आर वेरी कॉमन यानी अगर आप हायर स्केल रखोगे तो आपका इन्वेंट्री आपका डेप्ट सब कुछ ज्यादा होगा यू विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल वेर एज इफ यू आर हैविंग द लोअर स्केल में है कम अब जो आने वाले हैं ये सारे के सारे सिर्फ वर्किंग कैपिटल है प्लीज देर इज अ वेरी वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस डिफरेंसिस काइंडली लिसन केयरफुली बिजनेस साइकिल बिजनेस साइकिल का मतलब हो जाता है दैट जब आपका बिजनेस कितना बिक रहा है डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ बूम जब आपका सेल्स बहुत अच्छा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपको लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी ऑन द अदर अमाउंट अगर इस वक्त में सेल्स थोड़ा डिप्रेस चल रहा है तो आपको कम बिजनेस की जरूरत पड़ेगी सीजनल ये पेपर में आता है विद व्हाट यू कॉल एस आपके उसमें आता है कोको uh, कोला का उसमें आता है दैट द एग्जांपल कम्स फॉर कोको कोला मीन्स सम आर यूज जैसे आपके स्वेटर्स हो गए कॉटन आपके हो गए या फिर कोको कोला हो गया सो कॉटन कोको कोला ये सब हम जो ये मतलब क्यों होता है दीज वी नॉर्मली यूज इन द समर सीजन तो विंटर में इनके लिए जो वर्किंग कैपिटल है वो कम रहता है

मतलब की ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटीरियल इंटू फिनिश गुड्स एफ एम सी जीज आपके जितने भी होते हैं फ, फ, मतलब कि जो आपके जैसे शैम्पू हो गया या जो आपके खाने पीने के सामान होते हैं ये सब आपका प्रोडक्शन इनका जल्दी जल्दी होता है वेर एस अगर आप ऑटो कहो या फिर आप एक कार कहो तो इनका जो प्रोडक्शन साइकिल होता है जो स्पैन होता है कन्वर्टिंग द रॉ मटीरियल इंटू फिनिश वो लंबा रहता है तो इसका मतलब क्या है उतना टाइम आपका पैसा होल्ड रहता है ब्लॉक रहता है production cycle is a time span between the receipt of raw materials and then conversion into finished goods some businesses have a longer production cycle while some have shorter so duration and length of production cycle affects the amount that you require higher capital is required with longer processing cycle because your money block blocked अगर उसको तीन महीने लग रहे हैं तो तीन महीने तक आपको हर चीज जो है यू हैव टू पे वेदर इट इज योर सैलरी रॉ मटीरियल इट इज योर ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपके जितने भी वेरिएबल्स है सबको देना है लेकिन अगर आपका जो है बिक जाता है मतलब विद इन वन मंथ उसका जो है साइकिल चलता रहता है लाइक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाई आई एम टेलिंग दिस हंड्रेड टाइम बिकॉज पेपर में आया हुआ है द सेम थिंग इफ यूर कंपनी इज डीलिंग विद कंज्यूमर गुड्स का कार बनाती है तो आपको ज्यादा जरूरत नेक्स्ट टू पॉइंट आर इंटर रिलेटेड क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड मतलब अगर हम हमारी जो कंपनी है वो फॉलो करती है क्रेडिट पॉलिसी मतलब कि वो कहती है कि चलो भाई आप हमें बाद में दे देना पैसा तो भाई हम देखते हैं दूसरी companies, जो हैं गिविंग ऑन क्रेडिट जैसे सामान बिकने के बाद आप पैसा देना सामान बिकने के बाद आप हमें पैसा देना तो डेफिनेटली आपको उतने टाइम के लिए पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब तक वो सामान बिककर आपके पास पैसा नहीं आएगा आपको बाकी एक्सपेंसेस देखने हैं सो यू विल रिक्वायर इनक्रीज वर्किंग कैपिटल सिमिलरली क्रेडिट अवेल्ड आपका सप्लायर अगर कैश में डील करता है वो कहता है दो उसका सामान अच्छा है और आप उसी से सामान खरीदना चाहते हो तो यू विल रिक्वायर मोर कैपिटल वर्किंग कैपिटल बट इफ ही इज गिविंग यू द क्रेडिट ओके आप सामान बेचने के बाद मुझे दो तो यू कैन यूज लेस वर्किंग कैपिटल यानी कि जो हम जिसको दे रहे हैं और जो हमें दे रहा है नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एफिशियम दिस कम कम दिस इन मार्क्स बस बाकी जो आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन वाला है देन आपका द फर्स्ट टू थे ये कई बार आए फर्म्स मैनेज देयर ऑपरेशंस विथ वेरीड degrees of efficiency if the firm is able to manage its raw materials with smaller balance this is reflected in a higher inventory turnover inventory similarly a better debtors turnover ratio may be achieved reducing the amount tied up in receivable better sales effort may reduce द एवरेज टाइम फॉर विच फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज हेल्ड मतलब बेटर सेल्स एफर्ट मतलब अगर आपकी कंपनी में ये तीन चार चीजें हैं अगर आपकी कंपनी इतनी एफिशियंट है कि वो विद इन स्मॉलर बैलेंस इफ इट इज हैज ऑप्टिम यूटिलाईजेशन ऑफ द रिसोर्सिसन आपको रॉ मटेरियल्स पे ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है Similarly, if you are able to manage your debtors, आपका जो bill receivable and bill मतलब कि bill payable है, उनके बीच आपका balance है, तो भी आपको हाथ में पैसा रखने की ज़रूरत नहीं। Similarly, if your company is very good in selling up, जल्दी से sell out कर देती है सामान को, तो then also you don't require much. नहीं तो आपको inventory रखा हुआ है, sell out हुआ ही नहीं है, then तो, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत ही पड़ेगी।

आपकी आपका जो आपकी जो फैक्ट्री है वो कहीं और है इफ यू डोंट हैव एन अन इंटरप्टेड रॉ मटीरियल सप्लाई तो इट विल बी हिंडरिंग योर मैन्युफैक्चरिंग तो आपका जो रॉ मटीरियल है वो आते रहना चाहिए इफ द रॉ मटीरियल एंड अदर रिक्वायर्ड मटीरियल आर अवेलेबल फ्रीली एंड कॉन्टिन्यूसली तो आप लो स्टॉक रख सकते हो हाउ रॉ मटीरियल डो नॉट है रिकॉर्ड ऑफ अन इंटरप्टिड अवेलेबिलिटी हाइर स्टॉक लेवल्स में भी रिक्वायर्ड क्योंकि आपके पास प्लेसमेंट हुआ ऑर्डर का एंड रिसीट ऑफ द मटीरियल जिसको हम लीड टाइम कहते हैं अगर देर इज अ टाइम लैग मतलब आपके डिमांड आने के बाद आपने स्टार्ट किया और आपको सप्लाई करना है लेकिन आप नहीं कर पाए तो देन या तो वो स्टॉक आपके पास पड़े पड़े सड़ जाएगा या फिर आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा सो लार्जर द लीड टाइम लार्जर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्टोर्ड एंड लार्जर शैल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग यानी कि द डिफरेंस आपके पास रॉ मटेरियल आया आपने उसे कन्वर्ट किया अगर आपको आपने रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना है आपको तो देन व्हाट विल हैपन यू विल रिक्वायर मोर है ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव जो हमने पहले पढ़ा था ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मतलब इफ द पोटेंशियल ऑफ अ कंसर्न इज टू production देना चाहते हैं ज्यादा सेल्स target को मीट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी लेवल ऑफ competition what happens is दूसरे का नुकसान मेरा फायदा बिजनेस का ये एक रूल होता है दैट हमारा जो नुकसान है वो हमेशा दूसरे का फायदा होता है सो यू हैव टू ऑलवेज सी वॉट इज द कॉम्पिटिशन इन योर इंडस्ट्री इफ मान लो कि मैं एक एक सिंपल बात कर रही हूं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कंपनी आई आई एम टॉकिंग अबाउट अ शॉप शॉप मैं एक पे गई डिड नॉट गेट दैट प्रोडक्ट जो मुझे लेना था तो मैं क्या करूंगी मैं क्या करूंगी ऑब्वियस है कि मैं अगले दुकान में जाऊंगी आई एल नॉट वेट फॉर द कंपनी टू कम एंड गिव मी द मैं हाँ ठीक है आप दो हाँ एम वेरी पर्टिकुलर मुझे कोई ऐसी चीज की जरूरत है जिसे मैं उसी दुकान से लेना चाहती हूँ तो वो एक अलग बात है अदरवाइज वट आल डू इज आल गो टू द नेक्स्ट शॉप लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन उसको बोलते हैं इफ यू आर नॉट अवेलेबल देन योर रिप्लेसमेंट इज अवेलेबल इफ यू आर नॉट अवेलेबल योर रिप्लेसमेंट इज अवेलेबल हायर लेवल ऑफ क्योंकि मेंस्टमर्स अगर दूसरी कंपनी भी उसी लेवल पर है उनका भी प्रोडक्ट उतना ही अच्छा है तो द कस्टमर्स विल नॉट वेट फॉर अस दूसरा हमने भी क्रेडिट पढ़ा था ना ऊपर क्रेडिट अवेल्ड एंड क्रेडिट गिवन दिस इज ऑल्सो फेसिलिटेटेड ड्यू टू लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन अगर हमारा कॉम्पिटेटर अगर क्रेडिट पे दे रहा है ना तो हमें भी देना पड़ेगा लास्ट सॉरी नेक्स्ट इज इन विध राइसिंग प्राइस लार्जर टू में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सी हमने उसमें पढ़ा था एम बीई कंट्रोलिंग में पढ़ा था दट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड हमने पढ़ा था दट सीपीसी मतलब की जो हमें इमीडिएटली के आर ए दैट इज की रिजल्ट एरिया rising prices larger amounts are required even to maintain a constant volume of production and sales the working capital requirement of a business becomes higher with higher rate of inflation of inflation there might be increase in the price ज बाइ द सेम परसेंटेज वो तो एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट पर फर्क पड़ेगा द एक्चुअल रिक्वायरमेंट आर डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ प्राइस ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट हो सकता है कि मेरा एक प्रोडक्ट पांच परसेंट बढ़ गया है लेकिन दूसरा मेरा घट गया है तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन अगर मान लो तीन चार चीजों के सामान एक साथ मेरा बढ़ गया है तो देन डेफिनेटली मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकता है द एक्चुअल रिक्वायरमेंट शेल डिपेंड अपॉन द रेट प्राइस ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेट रॉ मटीरियल फिनिश्ड गुड लेबर कॉस्ट फिनिश्ड गुड एज वेल एज द प्रोपोर्शन इन द टोटल रिक्वायरमेंट तो दिस इज हाउ वी डिजाइड अपॉन द फैक्टर्स विच आर रिक्वायरिंग विच आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग एज वेल एज फॉर द फिक्स कैपिटल यानी कि आपकी कंपनी किस चीज को डील करती है आपकी कंपनी का प्रोडक्शन लेवल कितना है आपकी कंपनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट को देना चाहती है देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट वी कीप इंड दैट टेल्स आस दैट वॉट शुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट वी बोथ एट द लॉन्ग लॉन्ग टर्म क्योंकि अगर बड़ी कंपनी है तो ज्यादा रिक्वायर पड़ेगा एंड उसी तरीके से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है तो वर्किंग कैपिटल हमें कम पड़ता है जरूरत तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स एंड इसी को हम लोग जो है ना बेटा वेन वी आर डूइंग इन द फर्दर मतलब वेन यू विल बी इन योर मास्टर्स ऑफ समथिंग लाइक दैट यू वुड बी रीडिंग समथिंग अबाउट द कॉस्ट मैनेजमेंट हम लोग जो सी एम एज करते हैं कॉस्ट मैनेजिंग करते हैं उन सब चीज़ों में यही चीज़ों को हम देखते हैं वी वॉन्ट टू एनालिसाइज मतलब कि उसमें हम क्या करते हैं हम न्यूमेरिकली हम एनालाइज करते हैं कि वॉट इज द रिक्वायरमेंट द कंपनी नीड्स ये तो हमने सिर्फ एक थियोरिटिकल पढ़ा है ये तो हमने सिर्फ एक थियोरिटिकल पढ़ा है बट वेन वी आर इट तो देन वी वी वुड वुड बी बी कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग ऑल द रिस्क जैसे हमने अभी कैपिटल उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में कैलकुलेट किया था इक्विटी ऑन शेयर्स उसी तरीके से इसको हम लोग लंबा चौड़ा हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं डिस्कस करते हैं एंड देन वी डिसाइड अपॉन की वॉट शुड बी इट इन इन द होल और इन एन एक्चुअल आई कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प इन माइंड बिकॉज दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अम्प्लीट आप में से ऐसे भी कोई बच्चा होगा जो इसी चैप्टर को अपना करियर बना सकता है द रीजन इज वेन वी डू एम बी एस और वेन वी आर इंटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर इन टू एक्चुअली इंटू द इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया फाइनेंशियल मैनेजर हो गया फाइनेंशियल एनलिस्ट हो गया देन सी एम ए हो गया हम इन सब के अंदर जो है वी यूज ऑल दीज फैक्टर्स एंड यही वो फैक्टर है जो एक कंपनी के ग्रोथ एक कंपनी के सक्सेस एक कंपनी का पूरा का पूरा वॉट यू कॉल एस प्रॉफिट और उसकी गुडविल उसका जो भी आपका ब्रांड है वो बनाने में पूरा का पूरा हेल्प करता है दिस सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिशीशंस वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट In the entire business. With this, the chapter is over along with your NCERT.